Appreciate you joining us, Moshmi. We're going to continue to come back to you. Meanwhile, farmers continue their protest over the center's farm bill for the 16th day. The Bharatiya Kisan Union have moved Supreme Court against the farm laws. At least 5 petitions challenging the 3 farm acts are presently pending in the Supreme Court. According to the tentative listing date on the Supreme Court website, these matters are likely to be heard in the 3rd week of December. Farmer unions will be meeting shortly at the Singhu border today to discuss the future course of action. In the next move, the farmers have now decided to move to railway tracks across the country. Farmer unions have threatened to jam the Jaipur-Delhi highway and Agra-Delhi highway and block all the toll plazas across Punjab tomorrow. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar today appealed to the farmers to stop agitating. क्या कुछ है क्योंकि आज भी बात यही चल रही है कि आपका लगभग बातचीत का रास्ता अभी तो बंद सा दिख रहा है तो आगे क्या करेंगे? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ आया होगा एजेंडा, तो वहाँ पे जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आया होगा, तो वहाँ पे चर्चा करेंगे हम, बात करेंगे उसमें। तो कल सरकार ने भी बात कही कि 15 जो सुझाव हैं किसानों की तरफ से उसमें 12 मान लिए गए, 3 क्या हैं, कौन से सुझाव हैं जो सरकार ने माने नहीं माने, आपने भी बात बोली? देखो, अगर 15 में से 12 मान लिए तो इसका मतलब पूरा का पूरा खत्म खराब है वो, तो सभी हट जाना चाहिए। हम सभी देशवासियों को अपील करना चाहते हैं, जो सरकार का अखंड रवैया है उस अखंड रवैये को सुधारने के लिए हम सभी को अब लड़ाई के मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए हमने कल का जो सभी संगठनों को मतलब अपील की है, वो संगठन से संदेशे भी आ रहे हैं, पूरी तरह से कल को टोल फ्री होगा, कोई टोल नहीं भरेगा, और जियो की सिम, उनके मॉल और जियो एयरलाइंस के पेट्रोल पंपों का तेल नहीं दिलवाया जाएगा, इसका बहिष्कार करेंगी। और रेलवे जो है, रेलवे महकमे के कर्मचारी हैं जो उनकी जथेबंदियां हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने भी यहां पर समर्थन पत्र दे दिया है, बोले हम खुद रेलवे ट्रैकों पे जाएंगे, खुद रेल आवाजी ठप करेंगे। मैं आशा करता हूं कि किसान भाइयों ने अभी तक आंदोलन को अनुशासित बनाकर रखा है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और जनता की परेशानी ये ना हो, यह भी चिंता यूनियन को करनी चाहिए और इस जिम्मेवारी को भी यूनियन को महसूस करना चाहिए। ये मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ। गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए, सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है, और कोई भी कानून मैं जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है, और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करने करके और Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.